नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र खारी है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं और आज हम एक नए डिफरेंट टाइप के एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जनरली इंडस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, लेकिन बहुत कम आप वीडियो देखेंगे इस तरह की जिसमें हम अपने कुछ मुख्य जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं उनके ऊपर हर कोई वीडियो नहीं बनाता है। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर दो, वाटर सप्लाई। नंबर तीन, कंप्रेस्ड एयरलाइन। इन तीनों की ही बहुत महत्वपूर्णता होती है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो इन तीनों के बिना कंपनी नहीं चल सकती है। कंप्रेस्ड एयरलाइन डे बाय डे इसका यूज़, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि हर एक इक्विपमेंट आज के टाइम में कंप्रेस्ड एयरलाइन से चलने वाला हो गया है, चाहे वो लो न्यूमेटिक प्रेशर हो चाहे वो हाई न्यूमेटिक प्रेशर हो, लेकिन प्रेशर आवश्यकता होती है। तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अपनी कंप्रेस्ड एयरलाइन के साथ साथ, हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था वो था हमारा फायरलाइन पे। फायरलाइन बेसिकली एक डिफरेंट टॉपिक था, उसके बारे में आप पिछली वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आज हमारी बिल्कुल डिफरेंट होगी और ये हम कंप्रेस्ड एयरलाइन पर डिस्कशन करेंगे। कंप्रेस्ड एयरलाइन जो होती है इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से की जाती है। अलग अलग तरीके से करने का इंटेंशन यह है कि कुछ जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो बेसिकली कंप्रेस्ड एयरलाइन को GI और MS में एप्लीकेशन करते थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने देखा है, GI और MS की जो इनर सरफेस होती है वो काफ़ी रफ़ होती है, और रफ़ होने के कारण ना उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल की वजह से जब कंप्रेस्ड एयरलाइन चलती है तो कंप्रेस्ड एयरलाइन के अकेली कंप्रेस नहीं लेती है, वो एयर के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे अलग एलिमेंट्स भी आते हैं, जस्ट लाइक इन वाटर कंटेनमेंट एंड आपके ऑयल कंटेनमेंट, और एयर तो होती ही होती है और धूल के छोटे छोटे कण बहुत सारे जो होते हैं उनके साथ में आते हैं। लेकिन जब वो बहुत तेज़ी से फायर के एक तरीके बहुत तेज प्रेशर के साथ में उस पाइप पे हाथ अटैक करते हैं, तो GI और MS की जो इनर लेयर होती थी उस लेयर में रस्टिंग आने के कारण वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट टूट कर वो गिरने लग जाती थी, और जो मशीनरी के छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे 8 mm, 6 mm, 5 mm के जो छोटे छोटे इनर्स एयर इनलेट थे उन एयर इनलेटों में फंस जाते थे, जिससे करोड़ों रुपए की जो मशीनें हुआ करती थी वो मशीनें खराब हो जाती थी। धीरे धीरे फिर ट्रेडिशनल चेंज हुआ, एल्युमिनियम पाइपिंग पे आए। एल्युमिनियम पाइपिंग बहुत अच्छी पाइपिंग है, लेकिन एल्युमिनियम पाइपिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम पाइप की जो लाइफ होती है नॉट मोर देन 10 ईयर्स, बिकॉज उसकी जो फिटिंग्स होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं, क्योंकि वो पुश एंड फिटिंग होती हैं। पुश एंड फिटिंग में क्या होता है कि उसको पुश करके पाइप को और उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो इंसर्ट होने के कारण वो अच्छे से उसकी पकड़ नहीं बन पाती है, और 10 साल के बाद उसकी जो रिंग होती हैं, जिन रिंगों से वो पकड़ा होता है, जकड़ा होता है, वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो फेंकने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती हैं, और रिंग अलग से आती नहीं है, पूरी की पूरी फिटिंग्स चेंज करानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। वैसे ही ऑटोमेटिकली ही एल्युमिनियम पाइप बहुत कॉस्टली पाइप होता है। फिर बात करते हैं हम SS पाइप की। SS पाइप की जो कॉस्टिंग है वो भी एल्युमिनियम से भी कहीं ज़्यादा जाती है, लेकिन फूड ग्रेड होने के कारण उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्युमिनियम पाइप और SS पाइप में डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना ही है वो एक फूड ग्रेड हो जाता है SS, और दूसरा SS की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसका प्राइस वाइज बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाती है। आज हम एक छोटी सी पाइप जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है Fibertherm, या हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं उसको PPCH, या हम उसको तीसरी भाषा में बोल सकते हैं V2 Pneumato, या फिर हम उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं कुछ अलग कंपनियों ने, अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने उसको अलग अलग नाम देके उसको बनाया हुआ है। कुछ कंपनियों ने उसको FRV2 नाम दिया है, किसी ने Fibertherm नाम दिया है, किसी ने Pneumato नाम दिया है, लेकिन बेसिकली वर्क नाम क्या है उसका, PPR। PPR की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक होती है जो बेसिकली इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग आइटम्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और इसको हम बहुत अच्छे से कंप्रेस्ड एयर लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या होती है कंप्रेस्ड एयर लाइन के लाने के लिए, इसकी इनर स्पेस जो होती है वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी एकदम कोई रस्टिंग नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि काफ़ी अंदर कोपॉलीमर की लेयर लगी होती है, तो काफ़ी चिकनी होती है अंदर की लेयर, और प्रेशर ड्रॉप भी होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो प्रेशर ड्रॉप कभी होगा नहीं, सीधे स्मूथली इसमें भागेगा। दूसरा क्या होता है,
पीपीआर का जो हमारा जो जॉइंटिंग होती हैं वो जॉइंटिंग जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंटिंग होती हैं। इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन का मतलब होता है कि एक इस तरह की डिवाइस होती है जो उनको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के माध्यम से हीटिंग करके उनके पाइप और फिटिंग को आपस में मेल्ट किया जाता है। मेल्ट उसको 300-250 डिग्री के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस साइज वी विल टू मेल्ट इन दिस पाइप एंड फिटिंग्स, देन वी विल टू पुश इन वन पाइप एंड वन फिटिंग, देन दैट वी विल कूल टाइम, उसको फिर कूलिंग टाइम के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कूलिंग टाइम को छोड़ने के बाद में उसको फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद वो उसका जॉइंट प्रॉपरली लग जाता है और उसके बाद में वो कभी नहीं वहाँ से कोई लीकेज नहीं हो सकती। और जनरली जो पीपीआर की फाइबरथर्म की जो लाइफ होती है वो कंपनी रिटेन में 50 ईयर्स देती है, बट मैं अपनी तरफ से गारंटी बोलता हूँ कि पीपीआर फाइबरथर्म की जो लाइफ होती है 50 नहीं 100 साल से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि पाइप पीपीआर पाइप में ना सड़ेगा ना गलेगा ना फटेगा ना टूटेगा, ये ऐसा पाइप होता है। यूवी रेजिस्टेंट होता है, धूप का भी कोई इसमें असर नहीं पड़ता है। प्रेशर के लिए हम इसको बात करें तो PN20 तक इसका पाइप आता है जो PN20 kg 20 kg प्रेशर तक को सस्टेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए एप्लीकेबल फैब्रिकेटर होना चाहिए जो उसको सही से प्रॉपरली उसको वर्क कर सके। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही देंगे, थैंक यू, धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा अगली बार एक नए टॉपिक लेके आऊँ और नई चीज़ें दिखाऊँ आपको। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।